राजा क्या खाना है आपको? एक ओरियो शेक, एक पिज्जा, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आई थिंक एक हफ्ते से नहीं मिले, और ये हमारी शादी के बाद का सबसे लंबा टाइम है। सो गाइस फाइनली घर आ चुका हूं मैं। पूरी मैंने भी दस्तक दे दी और हालत हो गई खराब हम लोगों की। और छोड़ के मिस किया बहुत ज्यादा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये बिना परिवार वाला सूखा बर्थडे गाइस। हैप्पी बर्थडे टू यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो हम लोग अकेले हैं यहाँ विवेक के बिना। तो दो दिन से हम लोग बाहर नहीं गए थे, लेकिन आज अर्पण भाई हमारे पास आया, तो हमने फाइनली डिसाइड करा कि हम बाहर जाते हैं, हम पक्के। और रात को विवेक भी हमारे पास पहुँच जाएंगे। तो राजा मामू के साथ मजा आ रहा है। तो गाइज मेरा भाई आ रखा है, तो इसलिए मैं, राजा और भैया आए हैं बाहर कुछ खाने के लिए। और इसके काम देख लो, इसके काम। राजा क्या खाना है आपको? मुझे ये ओरियो शेक, हाँ? एक पिज्जा, ठीक है। तुम मामू को पूछो पिज्जा खाएंगे कि पास्ता? मैं तो पास्ता खाऊंगा। सो गाइज मुझे खाना था पास्ता, लेकिन राजा को खाना था पिज्जा। तो राजा के लिए आया है पिज्जा। ये पिज्जा मैंने रास्ता इसके लिए मंगवाया था, इसने एक भी बाइट नहीं खाया। पास्ता मंगवाया था, पास्ता भी नहीं खाया। सो गाइज ये वाला जो गिफ्ट है जो मेरे पास आज ही रिसीव हुआ है, ये भेजा है शौर्यन, जिसको मैं कल अनबॉक्स करूंगी। उसने मेरा बर्थडे गिफ्ट भेजा, और इस बार मैं इतने बुरे मूड में हूँ कि मेरा बर्थडे मनाने का कोई मूड नहीं। ऊपर से घर वाले नहीं है, तो बिल्कुल ही मूड नहीं है। और अभी मैं बैठी हूँ विवेक और की वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं सुबह सुबह 4 बजे। सो आई एम सो हैप्पी। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग आई थिंक एक हफ्ते से नहीं मिले, और ये हमारी शादी के बाद का सबसे लंबा टाइम है कि हम लोग मिले ही नहीं इतने टाइम से। आई मीन सो मच बच्चा। हे गाइस, तो अभी मैं बना रही हूँ चिले, क्योंकि जो हमारी दीदी है उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैंने उनको बोला है कि आप रहने दो, मैं चिले बना देती हूँ, और उनके लिए बना रही हूँ, अपने लिए, अरबन भैया के लिए, राजा के लिए, सबके लिए, क्योंकि उनके उन्होंने भी दवाई लेनी है। और विवेक को आने में भी टाइम है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ी देर सो जाऊँ, ताकि जब वो आए तो मैं उठ जाऊँ। गाइज मैं एक काम सही करने की कोशिश करती थी तो 4 बिगड़ जाते हैं, जैसे मेरे साथ ये हुआ है। पूरा दूध मेरे हाथ से गिर गया। मैं पलटा रही थी इसको। अब ये दीदी तो सो रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो ये सारा मुझे क्लीन करके सोना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ मैं, और सुबह के बजे हुए हैं ऑलमोस्ट 5। नींद ने भी दस्तक दे दी और हालत हो गई खराब हम लोगों की। खुशी को फोन कर दिया है। और छोड़ के जितना आराम से उतना लेके आ गया। लिया मैं इतने आराम से कैसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज राजा सो रखा है। वाले को और मिस किया बहुत ज़्यादा। सुबह को हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, और मैं बाहर जाके एंड शॉट लेके आ जाता हूँ, कभी राजा की आँख खुल जाए गलती से। और सुबह को हम बहुत सारी बात करेंगे रिगार्डिंग, मैंने कुछ बहुत सारा मिस किया और ये परेशान हो गई थी, बस फोन को गया था। सो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे, और कल से काम करने हैं चालू। फाइनली इतना मैस अप हो रखा है घर में, राजा क्योंकि रहेगा जब तक ऐसे ही रहने वाला है, और उसका PS5 आ गया, सुबह इसको भी लगा देंगे। गाइज बुरी हालत हो रखी है घर, और मतलब इतनी तकड़ी नींद आ रही है मुझे, मैं क्या बताऊँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। हम लोग उठ चुके हैं। राजा क्या पूछ रहे हो आप? सोचो सोचो। फिलहाल हम लोग निकले हैं घर से, और इस बार खुशी बेचारी बार बार बोल रही है यार बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज घर वाला कोई भी नहीं है। और अभी हम लोग घर से भी आए हैं, तो मेरा बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने चलते हैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन बाहर। सो उसकी गाइज हम लोगों ने टिकट करा ली है, और कहाँ जाने वाले हैं वैसे तो आप लोग अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे आप लोगों को पता लग ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ केक ले लेते हैं बेटा, अभी चल के केक लेंगे पहले। सो कल हम लोग सेलिब्रेट करने जाने वाले हैं बाहर, मतलब लोनावला, बहुत अच्छा सा प्लेस है, वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करेंगे, 2-3 दिन मस्ती करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। और हाँ, जो मेन बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं वो अराउंड न्यू ईयर के आसपास सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि तब घर वाले भी होंगे, तो यही सब चल। हाँ जी, वाले तो बस तेरे भी चले लेना टेबल। टेबल ठीक है बेटा।
गाइस मैं यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, सब कुछ मेरे बहुत लूज आ रहा है। तो ये वाला तो बहुत ज़्यादा ही लूज है। अभी मैंने बहुत सारे ड्रेसेस भी देखी है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है मेरा कि कल मैं क्या पहनने वाली हूँ। गाइस राजा ने भांडा फोड़ दिया, विवेक और केक लेने जा रहे थे। राजा कह रहा मम्मा आपका बर्थडे है, तेत लेने जा रहे हैं। लो राजा अब खाओ इसको, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो राजा के लिए हम लोग लाए हैं रसमलाई मिनी केक, टेस्टी है वैसे तो ये। गाइज हम कुछ खाने के लिए आए हैं और राजा बोल रहा है कि एक काम करो सारा मेन्यू मंगवा लो। राजा आपने तो पानी अपने मुंह पे गिरा लिया, क्या हुआ अब? मैं पानी पी रहा था, मेरे मुंह पे ही नहीं गया। क्या हो गया फिर? मेरा मुंह फिर भीगा था, अभी टिश्यू पेपर से साफ किया। ये बोल रहा था, कह रहा है इसी बहाने मेरा मुंह भी धुल गया। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ सामने तो थी और मैं फटाफट आने लगी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ मम्मा को विश तो करा नहीं, हैप्पी बर्थडे राजा आपने। ये बिना परिवार वाला सूखा बर्थडे गाइस, अगेन वन मोर सूखा बर्थडे। हम पहले केक कट कर लेते हैं 12 बजे, ठीक। Happy birthday to you, happy birthday dear Khushi.